अरे हमारी गाड़ी। जी जी आपकी गाड़ी। ओ तो इसका मतलब ये गाड़ी चोरी नहीं हुई थी, ये सब हमारी आंखें खोलने के लिए किया था। जी हमारा तरीका थोड़ा गलत था पर मंशा एकदम सही थी। आपकी इस मंशा के लिए हमारा सलाम। जिसने हमें सही रास्ता दिखाया और आप सबके लिए भी ये तो बनता है। और एक बात, चीता चतुर्वेदी और संतोष शर्मा आप दोनों का सस्पेंशन ऑर्डर रद्द किया जाता है। थैंक यू। अच्छा अब हमें इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। बधाई। किसलिए सर? अरे ये केस भी महिला थाने के खाते में जाता है। धन्यवाद सर। सर। आइए आइए करिश्मा सिंह जी आइए। जय हिंद सर। जय हिंद। अरे हम सब जानते हैं। अरे भाई हमने आपसे जो मंगवाया था आप वही लाई है ना? बिल्कुल सर, आपने कहा था हरिया हलवाई की आपको जलेबी चाहिए, हम सामने रह के छनवा कर लेकर आए हैं। खुशबू से ही अंदाजा हो जाता है कि ये हरिया की कड़ाही का जादू है। आप भी सोच रही होंगी कि हमने आपको अचानक यहाँ बुलवा लिया, फिर हरिया की गर्मा गर्म जलेबी के साथ क्यों बुलवाया? हम आपको बताते हैं भाई, खुशखबरी ही ऐसी है कि जैसे ही आप सुनेंगी आप खुद हमारा मुंह मीठा कराना चाहेंगी। क्या खुशखबरी है? कहीं मैडम सर पर लगे आरोप खारिज हो गए? अरे भाई आरोप तो खारिज हो जाएंगे, अगर वो निर्दोष है तो वो भी साबित हो जाएगा। अभी तो हमें फिलहाल जलेबी खानी है। जी? अरे भाई आपको खुशखबरी सुनाने जा रहे हैं ना? सर वही समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा खुशखबरी, आप बताइए हमको। भाई तो बात ये है कि डिपार्टमेंट ने ये तय किया है कि अमर विद्रोही का ट्रांसफर किसी और थाने में कर दिया जाए। आज से वो थाना फिर से आपका महिला थाना हुआ। का बात कर रहे हैं सर आप? मतलब मतलब बहुत बधाई, अब आप चाहे तो हमारा मुंह मीठा करा सकती हैं। सर पर आप क्या बात कर रहे हैं? मतलब अरे मतलब ये कि अमर विद्रोही और आपके बीच में जो थाने को लेके रस्साकसी चल रही थी, जो खींचातानी चल रही थी, वो आज से खत्म। महिला थाना पूरा का पूरा आपका हुआ, अब आप चाहे तो हमारा मुंह मीठा करा सकती हैं। तो सर ये तो स्कोर पे निर्भर करता है ना, अमर सर को आपत्ति भी तो हो सकता है। अरे भाई आपत्ति नहीं होगी। काहे? क्योंकि अमर विद्रोही हमारे पास खुद ही प्रस्ताव लेकर आए थे और कहा कि मुझे नहीं लगता कि इस कंपटीशन को ज्यादा खींचने की जरूरत है सर, रिजल्ट तो हम दोनों ही जानते हैं, तो वक्त क्यों बर्बाद करना। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, आप जल्दी से जल्दी मेरा ट्रांसफर कहीं और करवा दें और ये थाना उन लोगों को सौंप दें जो इसके सच में हकदार है। अमर विद्रोही? अमर विद्रोही का लॉजिक उनकी जादू की छड़ी के सामने हार गया सर। और हाँ सर, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि ये बात आप करिश्मा सिंह या उनकी किसी भी टीम के मेंबर को नहीं बताइएगा। वो लोग ये थाना अपने दम पर जीते हैं सर, और मुझे नहीं लगता कि उन्हें अपने इस जज्बे पर थोड़ा भी डाउट होना चाहिए। अब भला बोलने में मजा आ रहा है आप सबको? करिश्मा मैडम आपको गलतफहमी हुई है, हमें रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म चाहिए, हमें प्लेन नहीं चाहिए, ट्रेन चाहिए। अबे बोलो ना, नहीं तो ऐसे ही टेक ऑफ हो जाओगे। देखो देखो हाँ बोल रहे हैं सारे के सारे, हवाई जहाज एक साथ बोल रहे हैं हाँ, उनको ट्रेन ही ठीक है। अगर किसी ने भी पैर जमीन पे रखा ना, पता है लग जाएगी। कुछ समझ रहे हैं आप? आज ये लोग है, कल को हजार लोग आ जाएंगे धरना प्रदर्शन करने में, तो कितना मुश्किल हो जाएगा कानून व्यवस्था करना ना। मतलब आपको पता नहीं है कि ये बात बढ़ते बढ़ते कितना बिगड़ सकता है सिर्फ आपकी चूरनगिरी की वजह से। झूठी? मतलब क्या हम झूठी बात कर रहे हैं? देखिए मैडम, हम भी किसी तरह का कोई बवाल नहीं चाहते, आपको बता रहे हैं, हम चाहते चोर उचक्के उठाई गिरे ठग नहीं है जो सरकारी जमीन पे कब्जा करके वहाँ पे प्लेटफॉर्म बना देंगे। खानदानी लोग हैं हम,
हाँ, और अपनी चीज बेच रहे हैं अब जरूरत पड़ने पर। और हम ये साबित कर सकते हैं कि जो छहबाग स्टेशन है ना, ये पूरा का पूरा हमारा है। किसका छलिया काट रहे हो पे? हाँ, वो खाली पेट कुछ खाया नहीं, इसलिए गैस हो गया। तो हम कह रहे हैं कि किसका छलिया काट रहे हो आप? हम दातुन लगते हैं क्या आपको? ऐसे फर्जी कागज बनाना ये बहुत बड़ा बात है क्या आज के जमाने में? फ्रॉड है। का बोले? नहीं, नहीं, मतलब आपको क्या लगता है हम फ्रॉड हैं? देखिए मैडम, ये जो कागज है ना, वो नकली हो सकते हैं, लेकिन इंसान तो नकली नहीं हो सकता है। और जो असली इंसान होता है उसे नकली कागजों की जरूरत भी नहीं होती है। आप हमारे बारे में, हमारे खानदान के बारे में पूरे शहर में किसी से भी पुष्टि करा लीजिए कि हमारा खानदान कितना पुश्तैनी, कितना मतलब पुराना खानदान है, तब शायद आपको हमारी बात पे यकीन आ जाए कि ये छहबाग रेलवे स्टेशन पूरा का पूरा हमारा, ये हमारा स्टेशन, ये देखिए बच्ची, ये सब कुछ हमारा है। हाँ, समझ गए समझ गए समझ गए। मैडम एक मिनट, और बीच में मैडम, हमको क्या लगता है किसी पुराने खानदानी लोगों से इनके परिवार के बारे में तफ्तीश करनी चाहिए, क्योंकि पुराने शाही परिवार के लोग ही बता सकते ना इनके खानदान के बारे में। हाँ, जो कि इनके खानदान में तो दूर दूर तक मिलेगा नहीं। अरे ये क्या जाने खानदान क्या होता है, खानदान की साख क्या होती है? अरे खानदान तो हमारा है भाई, हमारे खानदान में हर दूसरा सदस्य सरकार के किसी ना किसी ऊंचे महकमे में और ऊंचे पद पर बैठा है और अपने खानदान का नाम रोशन कर रहा है। अरे मामा जी विधायक है, हमारे चाचा जी नेता है, इसे कहते हैं खानदान, और ये होती है इज्जत, और इसे कहते हैं खानदानी धरोहर। हाँ, होशियार है। हाँ, शुक्रिया। नहीं नहीं, मतलब हम कह रहे हैं कि हम होशियार हैं, घनश्याम धरोहर जो है वो होशियार है, हमारे लिए। अरे आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम आज ही पता करते हैं आपके परिवार के बारे में, और फिर प्रमाणित हो जाएगा कि आपका परिवार कितना पुराना और कितना विश्वास पात्र है। जानते हैं हम ऐसे खानदानी शाही बंदे को जिसका लखनऊ में सबसे पुराने घराने से ताल्लुकात है और जिसकी बात पर कोई संदेह भी नहीं करता है, वो बताएगा आपके परिवार के बारे में। कौन? नवाब साहब। पुष्पा जी, गौर से देखिए ना। ताजमहल की बात अगर हम किसी को गौर से देखते हैं ना, तो वो आप हैं पुष्पा जी, आप। अच्छा नवाब साहब, आप इधर आइए, वहां देखिए, वहां देख के बताइए आप उनको जानते हैं कि नहीं जानते हैं। उधर देखिए, इधर देखिए, ऊपर देखिए, नीचे देखिए, अरे अरे हम इनको पहचानते ही नहीं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.